Hello everyone, I am Shubham Kumari and in this video I am going to discuss about the ankle joint. And in my previous video I already discussed about the introduction part of the ankle joint. So let's start with the ankle joint, which is specifically a talocrural joint. So we are talking about the articulation. So the ankle joint is the articulation between the proximally it is formed by distal part of the tibia and fibula. जो प्रॉक्सिमली पार्ट होते हैं आर्टिकुलेशन के एंकल जॉइंट में वो होते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ द टिबिया एंड फिबुला. एंड डिस्टली जिससे आर्टिकुलेशन होती है वो है बॉडी ऑफ टेलस. सो बॉडी ऑफ टेलस एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिबिया एंड फिबुला मिलकर टैलोक्रूरल जॉइंट फॉर्म करते हैं. तो अब ये किस टाइप का जॉइंट है? सो द टाइप इज हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट. तो हिंज वेराइटी की क्या स्पेसिलिटी होती है साइनोवियल जॉइंट में? साइनोवियल जॉइंट की जो हिंज वेराइटी है इसमें क्या होती है, सिर्फ इसमें एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. देयर इज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इन केस ऑफ टेलोक्रूरल जॉइंट इज डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन. एंड दिस इज द टाइप ऑफ एंकल जॉइंट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंकल जॉइंट स्ट्रक्चर. So in ankle joint structure, we are going to first discuss about the proximal articulation surface and then we are going to discuss about the distal articulation surface. So let's start with the proximal articulation surface, and which is composed of distal tibia and of the tibial and fibular malleoli, which forms the concave surface. And the fibular malleoli is present at the lateral side and the tibial malleoli is present at the medial side. So, जो ये तीन तीन फेसेट हैं फॉर्म करते हैं एक ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस कॉन्केव जॉइंट सरफेस दैट एक्सटेंड्स मोर डिस्टली ऑन द फिबुलर साइड देन ऑन द टिबियल साइड, टिबियल विच इज मीडियल साइड. तो जो है ये फिबुलर साइड पे ज्यादा डिस्टली होती है कंपेयर टू द टिबियल साइड. एंड आपको ये मैं एक डायग्राम में दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं. इन दिस डायग्राम जो फिबुला वाला पार्ट है ये लेटरल पार्ट है और ये मीडियल पार्ट है. यू कैन सी दिस इज ये पोस्टीरियर व्यू है, ये ज्यादा डिस्टली है कम्पेयर टू द मीडियल साइड. लेटरल वाला साइड जो कि फिबुलर है वो ज्यादा डिस्टली है कम्पेयर टू द टिबियल फैसेट, टिबियल मैल्यूलर. एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज जो एंटीरियर सर्फेस होती है और जो पोस्टीरियर सर्फेस होती है, तो पोस्टीरियर सर्फेस ज्यादा डिस्टली होती है इन कंपेरिजन टू द इंटीरियर सर्फेस. And more distally on the posterior margin of the tibial than on the anterior margin. Okay, anterior margin पे compare मतलब posterior margin जो होती है anterior margin के comparison में ज्यादा distally होती है. So the structure of the distal tibia and the malleoli resembles and is referred to as a mortise, जो कि एक mortise form करती है. तो mortise क्या होता है? Mortise होता है एक bracket shape का, means कि इस shape का approximate एक lock होता है जो कि ये टिबिया की मैल्यूलाय फॉर्म कर रही है, ये फिबुला की मैल्यूलाय और ये रही आपकी डिस्टल टिबिया और ये यहां से फिबुला वाला पार्ट. तो ये एक मोर्टाइज जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ये एक मोर्टाइज फॉर्म कर रही है. सो मोर्टाइज क्या होता है कि फिक्स्ड और एडजस्टेबल दोनों टाइप का होता है. तो जो फिक्स्ड वाला टाइप होता है उसमें जो है वो उसमें जो है सब लॉक हो जाता है. तो फिक्स्ड वाला मोर्टाइज जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. एंड एक मोर्टाइज होता है जो कि एडजस्टेबल होता है. जो एडजस्टेबल वाला मोर्टाइज है वो स्टेबिलिटी के साथ साथ मोबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. तो ये एडजस्टेबल वाला स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों देता है. सो इस वजह से ये एडजस्टेबल वाला मोर्टाइज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. और जो हमारा एंकल जॉइंट है उसमें कैसा मोर्टाइज फॉर्म हो रहा है? तो ये एडजस्टेबल मोर्टाइज फॉर्म हो रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. The mortise of the ankle is adjustable. That's why it's relying on the proximal and distal tibiofibular joints to both permit and control the changes in the mortise. क्योंकि ये adjustable है तो ये proximal and distal tibiofibular दोनों पे rely करता है for permitting and controlling the changes in the mortise. Okay? And after that the प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट जो होते हैं वो एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट होते हैं बट फंक्शनली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से. क्योंकि प्रॉक्सिमल जो है वो टिबिया एंड फिबुला के अपर वाले पे प्रेजेंट है और डिस्टल वाला डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट वो टिबिया और फिबुला के नीचे वाला ज्वाइंट है, जिससे कि टिबिया और फिबुला एक दूसरे से कनेक्ट होती है. तो एनाटॉमिकली ये डिस्टिंक्ट है बट फंक्शनली ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट.
So proximal tibiofibular joint is a plain type of synovial joint. तो ये जो है प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट ये प्लेन टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट होता है और ये आर्टिकुलेशन होता है. द आर्टिकुलेशन इज बिटवीन द हेड ऑफ द फिबुला एंड पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया. फिबुला और टिबिया के बीच ये आर्टिकुलेशन होता है. तो फिबुला का जो हेड है वो और टिबिया का जो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट है वो. तो जो है ये दोनों फेसेट जो है फेयरली फ्लैट होता है और कैन वेरी इन कॉन्फिगुरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स. वैसे तो फेयरली फ्लैट होता है बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है. तो हम इन जनरल जो कंसीडर करते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं कि जो फिबुला वाला है ये कॉनकेव होता है एंड ये कॉन्वेक्स होता है. दिस इज जनरली बट पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है. एंड दिस प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट इज सराउंडेड बाय अ ज्वाइंट कैप्सूल विच इज री इन्फोर्स्ड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगमेंट्स. सो इट इज सराउंडेड बाय ज्वाइंट कैप्सूल एंड री इन्फोर्स्ड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. यहां पर हमने प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. तो जो ये डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट होता है विच दिस इज अ सिंडेस्मोसिस टाइप ऑफ ज्वाइंट और फाइब्रस यूनियन. सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट कैसा होता है? सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट वो होता है जो कि जो बोन है एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से. और इन केस ऑफ डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट इट इज लिंक्ड विद अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज अ फाइब्रो एडिपोज टिश्यू. तो दिस इज लिंक्ड विद अ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रो एडिपोज टिश्यू. एंड आफ्टर दैट जो टिबिया होती है, टिबिया एंड फिबुला, टिबिया जो होती है वो कॉनकेव फेसेट फॉर्म करती है और जो फिबुला होती है वो कॉन्वेक्स फेसेट फॉर्म करती है. तो ये टिबिया और फिबुला जो है डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होती, डायरेक्टली नॉट इन कॉन्टैक्ट बट इन कॉन्टैक्ट विद द फाइब्रो एडिपोज टिश्यू. सो इसमें जो है कोई ज्वाइंट कैप्सूल नहीं होती है बट सेवरल लिगामेंट्स आर देयर. नो ज्वाइंट कैप्सूल्स आर प्रेजेंट बट सेवरल लिगामेंट्स आर देयर एंड ऑल द लिगामेंट लाई बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी एट बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट्स. तो जितने भी लिगामेंट जो टिबिया और फिबुला के कॉन्ट्रीब्यूशन में होते हैं, ये दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट टिबिया और फिबुला के बीच होते हैं जो लाई करते हैं टिबिया और फिबुला के, ये दोनों ही प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट दोनों के ही स्टेबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं. तो जितने भी लिगामेंट होते हैं वो सारे ही कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी में बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. एंड आफ्टर दैट द डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनिंग अ स्टेबल मोर्टाइस. जो डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट्स के लिगामेंट होंगे ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनिंग द मोर्टाइस. ये मोर्टाइस इसके लिगामेंट्स डिस्टल टिबियोफिबुलर के लिगामेंट्स जो हैं वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोर्टाइस के स्टेबिलिटी में. ओके एंड आफ्टर दैट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन प्रोवाइड सपोर्ट टू डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, यहां पर मैंने बताया कि डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट में कैप्सूल नहीं होती बट सेवरल लिगामेंट्स आर प्रेजेंट. तो ये दोनों ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट को. और इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो होती है प्रोवाइड करती है सपोर्ट. इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो है दोनों को ही सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट को भी और डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट को भी. और ये जो डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट है ये दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग आर्टिकुलेशन. जो डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट है इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग आर्टिकुलेशन क्योंकि ये सिंडेस्मोसिस टाइप ऑफ ज्वाइंट है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ द टेलोक्रूरल ज्वाइंट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्टल आर्टिकुलेशन सरफेस. So the distal articulation surface is formed by the body of the talus and this body of talus has three articulation surfaces. किससे articulate करने के लिए? तो proximal articulation surfaces. किस joint का? तो talocrural joint का. So let's discuss about the three articular surfaces of the body of the talus. What are all the three articulation surface? जो first है, this is a large lateral facet. Large lateral. This is lateral. So
this is also called fibular facet. So this is a large lateral or fibular facet, and second articulation surface is a smaller medial, which is also known as tibial. So a smaller medial facet, and the third is a trochlear facet. Trochlear facet is present superior. This is present superiorly because it is present in mid, and ये जो है सबसे superior पे present होता है. ये fibula वाला lateral side पे, tibia वाला medial side पे, और ये trochlear central में superior सबसे ऊपर. And जो ये trochlear facet होता है, ये large होता है और convex होता है. This is large and convex. And जो ये trochlear facet has a central groove that runs at a slight angle to the head and neck to the talus. और ये इस trochlear facet पे एक central groove होते हैं जो कि run करते हैं slight angle पे to the head and neck of the talus. Talus bone की जो head and neck होती है उससे एक angle form करती है. ये straight नहीं होती है, एक angle form करते हुए होती है. सेंट्रल ग्रुप जो होती है वो एक एंगल फॉर्म करते हुए होती है बॉडी एंड हेड एंड नेक ऑफ द टेलस से. एंड द सेकेंड इज द बॉडी ऑफ टेलस ऑल्सो अपीयर्स वाइडर एंटीरियरली देन द पोस्टीरियरली. जो बॉडी होती है टेलस बोन की वो एंटीरियरली ज्यादा वाइडर होती है देन पोस्टीरियरली, जैसे कि एक वेज शेप फॉर्म करती है. So the body of talus also appear wider anteriorly than posteriorly, and that's why it forms a wedge shape. Or and the structural integrity of the ankle joint is maintained throughout the range of motion of the joint by a number of important ligaments. The important ligaments we are going to discuss, which we are going to discuss in our next video. Thanks for guys. Thanks for watching this video. Please like and share and subscribe my channel. Thank you.